हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी J2 में जो है पबजी मोबाइल को जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपने प्ले स्टोर में सर्च किया होगा पबजी मोबाइल अपने सैमसंग गैलेक्सी J2 मोबाइल से, तो वहाँ पे जो है कोई भी रिजल्ट नहीं आता है सैमसंग गैलेक्सी J2 में पबजी मोबाइल सर्च करने पे प्ले स्टोर पे, या फिर आप कहीं पे से कोई भी पेज से रीडायरेक्ट होकर अगर प्ले स्टोर में चले भी गए होंगे पबजी मोबाइल को ओपन करके, तो वहाँ पे आपको दिखता होगा दिस एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर योर डिवाइस, इस तरह का कुछ वहाँ पे आता है प्ले स्टोर में, और वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखता ही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंस्टॉलेशन पबजी मोबाइल की सैमसंग गैलेक्सी J2 में, और आपको यहाँ पे कोई भी एरर आता है इंस्टॉलिंग में या फिर कुछ भी, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, और आपको मेरे से जो है पर्सनली अगर बात करना है तो आपको नीचे मैं यहाँ पे कहीं पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो है आईडी दिख रहा होगा, आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए एंड मुझे मैसेज कर लीजिएगा डायरेक्ट मैसेज DM, तो मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई जो है कर दूंगा। अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आप वहाँ पे भी जो है पूछ सकते हैं मेरे से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी J2 में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं पबजी मोबाइल को। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पे एक सैमसंग गैलेक्सी J2 2016 वाला मॉडल है, 1GB RAM वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे इसमें आप जो है पबजी मोबाइल को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं सैमसंग गैलेक्सी J2 ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं डिवाइस नेम में यहाँ पे गैलेक्सी J2, और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन जो है यहाँ पे लॉलीपॉप ही है। तो आपने देख लिया कि ये सैमसंग गैलेक्सी J2 ही है। देन मैं आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में दिखा देता हूँ कि जब आप यहाँ पे जो है पबजी मोबाइल जब सर्च करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट जो है यहाँ पे नहीं मिलता है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पबजी मोबाइल। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पबजी मोबाइल जो है यहाँ पे सर्च कर दिया, लेकिन यहाँ पे पबजी मोबाइल को कोई रिजल्ट है ही नहीं, और हमारे दूसरे मोबाइल्स में जो है यहाँ पे पबजी मोबाइल सबसे ऊपर यहाँ पे आता है, सबसे पहले खुल जाता है, यहाँ पे कोई रिजल्ट ही नहीं है पबजी से रिलेटेड। तो अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे जो इसमें पबजी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको एक काम करना है, आपको अपने किसी भी फ्रेंड से जो है पबजी को है जो जेंडर से ट्रांसफ़र करना है। आप घर के अगल बगल चाहे किसी भी आपके फ्रेंड्स तो ज़रूर खेलते होंगे, तो आप उनसे जो है यहाँ पे पबजी जो है ले लीजिएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जेंडर ओपन कर लेना है, देन अपने फ्रेंड को भी जेंडर यहाँ पे ओपन करने बोलना है। देन उस मोबाइल से आपको यहाँ पे सेंड करना है, आपके दोस्त को सेंड करने आप बोलिएगा यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे रिसीव कर लेना है। देन यहाँ पे आपको बारकोड स्कैन करना रहता है, तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा और कनेक्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। देन आपको अपने फ्रेंड को बोलिएगा यहाँ पे आप सबसे पहले ऐप देने के लिए, इसका ऐप जो रहता है वही 35 MB आसपास रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे 43 MB का है यहाँ पे, तो ये ओनली ऐप, इसका मेन फाइल अलग से आपको सेंड करना पड़ता है। देख सकते हैं ऐप यहाँ पे जो आ रहा है 43 MB का, 41 MB वही 43 MB लगभग के है ये। देन आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर में चले जाना है, यहाँ पे फाइल्स में फ़ोन स्टोरेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर दिखेगा, उस पर चले जाना है। देन OBB में चले जाना है। देन आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा com.tencent.ig, तो इस पूरे फोल्डर को आपको सेलेक्ट करके जो है सेंड कर देना है अपने फ्रेंड के फ़ोन से अपने फ़ोन में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल भी आने लगा, तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये फाइल यहाँ पे आ जाए। तो मैंने वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर दिया था, तो यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगता था, आपको वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है फोल्डर भी यहाँ पे जो आ गया है। देन आपको जेंडर को जो है यहाँ पे से कट कर लेना है, डिस्कनेक्ट कर लेना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है रिसेंट से हटा देना है जेंडर को। देन अपने फाइल मैनेजर को आपको ओपन करना है, माई फाइल्स मतलब कि। देन डिवाइस स्टोरेज में चले जाना है, देन जेंडर वाले फोल्डर में चले जाना है। देन आपको यहाँ पे ऐप में चले जाना है, देन पबजी मोबाइल को जो है सबसे पहले इंस्टॉल करना है। आप इसे जो है ओपन मत करिएगा,
आपको सिर्फ यहाँ पे जो है इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है ऐप इंस्टॉल्ड। थोड़ा सा टाइम लगता है तो आपको वेट कर लेना है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे डन करना है, यहाँ पे आपको ओपन में क्लिक नहीं करना है। देन आपको बैक चले आना है, देन फोल्डर वाले ऑप्शन में चले जाना है। देन आपको यहाँ पे दिखेगा com.tencent.ig, तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करे रखना है ताकि आप इसे सिलेक्ट कर ले। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको प्रेस करे रखना है इस फोल्डर को। देन मोर वाले ऑप्शन में चले जाना है आपको, यहाँ पे ऊपर में। तो जैसे ही आप मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करके करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मूव का ऑप्शन दिखता है, तो आप उसको क्लिक कर लीजिएगा मूव वाले को। देन आपको यहाँ पे डिवाइस स्टोरेज सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे इसको जो है एंड्रॉइड फोल्डर में OBB में जो है पेस्ट करना है। एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर जाने के बाद, OBB में जाने के बाद आपको मूव भी कर देना है। देख सकते हैं वन फोल्डर मूव्ड हो गया यहाँ पे। आप देन इसको आपको रिसेंट से हटा देना है और अपना डाटा जो है आपको यहाँ पे जो है ऑन कर लेना है मोबाइल डाटा। देन आपको यहाँ पे अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ पे सर्च करना है GFX टूल। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ GFX टूल। इसे इसलिए आपको इंस्टॉल करना है, इसे आपको, ये बहुत ही छोटा ऐप है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ओनली 2 MB का ऐप है। आपको इसलिए इसे इंस्टॉल करना है क्योंकि आपका जो है पबजी थोड़ा सा जो है स्मूथ चले, लैग फ्री चले, एकदम अच्छे से यहाँ जो है स्मूथली पबजी वर्क करे। तो आपको इसे जो है अपने फ़ोन में जो इंस्टॉल कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं GFX टूल जो है यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। देन आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको जो है यहाँ सबसे पहले वाले पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन दिखेगा, आपको इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसा है वैसे ही आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे जो है ग्राफिक्स में जो है उसको आपको सो स्मूथ में क्लिक कर देना है। ग्राफिक्स आपको दिखेगा उसको आपको सो स्मूथ कर देना है। और यहाँ पे एंटी एलियासिंग दिखेगा, उस आपको कुछ करना ही नहीं है। FPS जो दिखेगा आपको, बस उसको जो है सेलेक्ट और स्किप में क्लिक करके छोड़ देना है। रेंडरिंग क्वालिटी ये सब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है यहाँ पे FPS को सेलेक्ट और स्किप में क्लिक कर देना है और ग्राफिक्स को आपको सो स्मूथ में कर देना है। देन आपको नीचे यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा, एक्सेप्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रन गेम का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उसके ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पबजी मोबाइल जो है यहाँ पे ओपन हो गया है सक्सेसफुली। तो ये सिर्फ इंस्टॉलेशन था। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको इसी तरह के जो है सैमसंग गैलेक्सी J2 के रिलेटेड वीडियोज़ जो है मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।